बोल चलो तुम तो बोलो तो देखो हाय गाइस हम आए आपका रात 5 बजे अनप्लान्ड ट्रिप है ये। अरे इस टाइम बीट में खेलो ना वीडियो वीडियो बना लो फिर वॉइस चल 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 आ जा वॉइस भी दे ले पकड़ तू यार रुको गोविंद जी दिल्ली से सीधा जयपुर गोविंद जी महाराज महाराज बिना प्लान के कई बजे पहुंचे 4 बजे 4 बजे पहुंचे हम 5 बजे मनीष 10 साल से आने की सोचा था फाइनली आ गया 250 किलोमीटर चल के आए देखो ये लेडी चप्पल देखो ये देखो लेडी चप्पल पहन के आया है ये भी मांगा है ये लोअर भी मांगा हुआ है इसने बट देख चुपता हुआ लोग मुंह चुपाता हुआ अपना इस लेडी चप्पल के कारण और ये अपना 260 नंबर चप्पल डालने के रूप है चलो आ जाओ हम गोविंद जी महाराज के आ गए हैं सुबह सुबह 5 बजे ये तो अपनी शक्ल तो दिखा ले बोलो ये मनीष सब पिन ये वीडियो डलते मनीष की पिटाई होगी सबसे ज्यादा अरे अरे ये भक्त बड़ी तेजी से भागते हुए भगवान बुला रहे हैं इनको बेचारे किस्मत थे खराब यही कटोरो बता रतास क्यों आया तू जयपुर रतास रतास
तो दिल्ली से जयपुर क्यों आए मामा? झूठ बोल रहे जीजा, झूठ बोल रहे। रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी तेरी वीडियो सारी। गोविंद दर्शन करने आए। हाँ ये हुई ना बात। मनीष तुम बताओ, तुम मतलब कल आने वाले थे, आज क्यों आए? वो भी कच्चा में जयपुर नहीं, मैं आपने कही तो मेरे मांगो ये निजी कारण से। निजी कारण हम बता नहीं सकते। अर्जेंट आपको लेके आना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। आप इस समस्या का हल करें, आप इस समस्या का हल करेंगे। रोहतास भैया को जयपुर गोविंद देव जी के दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। शांतिपूर्वक दर्शन हो गए, आमेर का किला देख लिया। वैसे बहुत भीड़ है। अब बस खाटू श्याम के जाना बाकी है। खाटू श्याम जी के भी जो निकल ही रहे हैं यहाँ से चप्पल पहन के, नहा धो के फ्रेश हो गए, बंद निकले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं और रोहतास भैया हम दोनों जयपुर गोविंद देव जी के दर्शन करने आए हैं। बच रहे हैं 5, और हमने दर्शन कर लिए, अभी आरती हो चुकी है, और अब हम अभी खाटू श्याम के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा मंदिर है। बस कैसा महसूस दर्शन करना, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। सुबह सुबह आ गए 5 बजे हम, जो भी आए हैं दिल्ली से आए हैं हम दर्शन करने के लिए। कितना भगवान हमको दिल्ली से बुला लिया है, कितना अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोहतास भैया अभी बहुत जगह जाना बाकी है, आज खाटू श्याम जी जाएंगे हम, और आप भी आइए गोविंद जी मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। दोस्तों ये भी हमारे साथ गोविंद देव जी के दर्शन करने आए जय दिल्ली से, और हम तीनों अब खाटू श्याम के जा रहे हैं। और सुबह सुबह रात में 12 बजे दिल्ली से चले थे, अब आके पहुँचे हैं, और अभी खाटू श्याम जी के जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ अभी 10-15 मिनट बाद खाटू श्याम जी जाएंगे, और हमारे साथ रोहतास भैया है जो बस बैग उठाने का काम करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। भाई जिसको मेरे हाथ की चाय पीनी है वो जल्दी से जल्दी जयपुर आ जाए, जगतपुर बाटक पर रोता फाटा बिजनेस है। अब जगतपुर फाटा को चाय दिल्ली छोड़ दिया इसने, और जगतपुर फाटा को चाय बेचेंगे अब कल से। तो आपको जिसको जिसको चाय पीनी हो वो जगतपुर फाटक पर आ जाए। अभिषेक भैया आपको 24 घंटा 24x7 फ्री सेवा देंगे, और चाय कैसी कौन सी मिलेगी? चाहे कोई सी पी लो, हमको अच्छी लगे जो। वैसे दुकान का नाम मनीष नांदरी वाले संचालक भाई वाले बड़े भाई साहब, पूरा योगदान है, पूरा योगदान है। अलग अलग फ्लेवर वाली चाय पिलाते हैं हमारे भैया। स्टार्ट। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिप थी जो जयपुर से बिना प्लान किए हुए चले थे हम लोग 11-12 बजे दिल्ली से 12 बजे जयपुर के लिए, और हमें नहीं पता था कहाँ जाना है। हमने आके सोचा कि ये मनीष का आइडिया था कि गोविंद जी के मंदिर जाना है, जो ये 10 साल से जाना चाह रहा था आरती में, जो जयपुर रह के भी नहीं गया, और ये आज वो दिल्ली से आ गया। ये इंसान वो है जो पीछे गधे की तरह सोता रहा पूरे रास्ते, मौज आ रही है भाई साहब। दोस्तों सबसे पहले हम गए थे आमेर, उसके बाद हम आए अभी पार्किंग में बैठ रहा है, उसके बाद अभी गोविंद देव जी, अब हम खाटू श्याम भी जा रहे हैं। पूरा प्लान है भाई, जिसको भी चलना हो जगतपुरा फाटक मिल सकता है। रोहतास भैया पूरा मजे ले रहे हैं ट्रिप के, ये कॉमेडियन और चाय वाले, कॉमेडियन चाय वाले भाई, जिसको पीनी, तो जिसको पीनी हो वो अभी फाटक पे आ जाए, जगतपुरा फाटक में 10-15 मिनट में। बिना अदरक की पीनी है तो बता, बिना इधर से चले। हाँ इधर से चले कर दी। जयपुर की गलियों में घूमते हुए पता नहीं सुबह से निकले हैं, मनीष रात हो गई, रात हो गई के बाद सुबह हो गई, पर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। देख रहे झूठा, देख रहे झूठा, ऐसी बोल दे दुनिया के पत्ते हैं। तो हम चल दिए वाह महल की तरफ, ये कौन सी मार्केट है, और ये हम छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ गोविंद देव जी के मंदिर से निकले अभी। ये जयपुर की ओल्डेस्ट मार्केट है, और ये जयपुर पुराना जयपुर जिसमें हम अभी घूम रहे हैं। ज़ूम कर ले यार, धुन छा रही है,
शीशा सुन गया निकले नाइट के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं गिर गिर गया दिल्ली से लापता अब सही है ठीक है ठीक अब सही कैमरा हम अभी हवा महल की तरफ जा रहे हैं और आपको अभी हवा महल दिखाएंगे सुबह सुबह हवा महल कैसा दिखता है अच्छा ये देखो हवा महल अच्छा ये क्या है छोटा हवा महल है ये हवा महल अरे ये हवा महल नहीं है ये भाई साहब जयपुर में रह रही हवा महल का नहीं पता है आपको कि हवा महल कहाँ है नहीं यार हवा महल भी दिखाएंगे अभी वो तो डेमो था जैसे नहीं अप्रैल फूल बनाया था अप्रैल चल रहा है अभी तो ऐसे लोड ना ले और अभी आपको हवा महल की ये देखो हवा महल आ चुका है आपको हवा महल की अच्छे से दिखाएंगे आपको ये देखो आराम से तो ये देखो सुबह के टाइम अभी 5 बज रहे हैं और ये देखो हवा महल में कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है ये हवा महल और अब आगे का समाचार सुनाएंगे हमारे भैया हमारे भैया गोलू पापा हवा महल का व्यू काफी अच्छा लगा हमको हवा महल देख के पर इसमें हवा नहीं लगती खिड़की कितने की गिन 853 ये जी के राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं इसमें 853 रुके दोस्तों ये हवा महल है यहाँ पे रात को काफ़ी लोग फोटोज क्लिक करवाने आते हैं जैसे उस साइड भी खड़े हुए हैं अपनी स्कूटी वगैरह रोक के ये सारे स्कूल दोस्त वगैरह के साथ आते हैं फिर कच्ची काफ़ी अच्छा माहौल रहता है रात को और मनीष यहाँ खड़े है और एज यूजल ये रोहतास थाली कावन में लग रहे हो हाँ मनीष जी क्या पोज दे रहे हो तुम चले और का